ओके, तो अभी आपने देखा क्या हुआ, मैंने अपने फोन को अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए किसी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने फिंगर को अपने डिस्प्ले पे प्लेस किया और वहीं से फिंगरप्रिंट स्कैन हो गया। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, और आज इस वीडियो में हम इन्हीं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में बात करेंगे। तो वैसे स्कैनर जो कि आपके डिस्प्ले के अंदर फिट होते हैं, उन स्कैनर्स के बारे में समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में फोन को अनलॉक करने के लिए जिस चीज का हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की स्टार्ट हुई थी एप्पल के आईफोन 5s से। आईफोन 5s के पहले भी बहुत सारे स्मार्टफोन थे जहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का यूज किया गया था, लेकिन 5s के बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। आईफोन के 5s में आपको देखने को मिला था टच आईडी, जो कि एक नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी थी, और उसके बाद तो लगभग आपको हर स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स देखने को मिल जाता है। हाँ, ये जरूर हुआ कि हर स्मार्टफोन में टाइम टू टाइम इनके जगह में चेंजेस किए गए। मतलब कहीं आपको बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे मिलेंगे जहां पे जो डिस्प्ले के नीचे छोटी सी चिन्ह होती है वहां पे इन स्कैनर्स को इम्प्लीमेंट किया गया। बहुत सारा स्मार्टफोन आपको ऐसा मिलेगा जिनमें कि होम बटन के अंदर ही इन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जैसा कि आईफोन में हुआ था, उसके होम बटन के अंदर फिंगरप्रिंट थे। और आपको बहुत सारे स्मार्टफोन अभी जो मार्केट में मिलते हैं उनमें पीछे की ओर ये स्कैनर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और ये चेंजेस जो इनकी जगहों में हो रहे हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के, ये चेंजेस होते हैं फोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और स्मार्टफोन मार्केट में जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है वो है फुल स्क्रीन डिस्प्लेस का। मतलब आप एक तरीके से ये सोच लो कि अभी एक तरीके से बेजललेस रिवॉल्यूशन चल रहा है, जहां पे हर स्मार्टफोन कंपनी ये चाहती है कि उनके फोन में सामने की ओर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेस हो। मतलब फोन में सामने की ओर डिस्प्ले के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की डिस्प्लेस, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे भी बेजललेस डिस्प्लेस बहुत पसंद है, और शायद आपको भी पसंद होगा। और जो अभी फोन्स आ रहे हैं जैसे कि वीवो का नेक्स हो गया या फिर ओप्पो का फाइंड एक्स हो गया, ये फोन हमें ये बता रहा है कि आगे फ्यूचर भी इसी तरह के डिस्प्लेस का है। मतलब आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे फोन्स मिलेंगे, या यूं कह लीजिए कि हर स्मार्टफोन आपको ऐसा ही मिलेगा जिसमें कि सामने की ओर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ही मिलेगा। लेकिन इन फुल स्क्रीन डिस्प्लेस के साथ एक प्रॉब्लम भी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर स्मार्टफोन में सामने की ओर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले यूज होता है तो फिर ये फिंगरप्रिंट स्कैनर्स कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे? क्योंकि अगर सामने सिर्फ स्क्रीन होगा तो उसमें कोई चिन्ह नहीं होगी, उसमें कोई होम बटन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये स्कैनर्स कहाँ इम्प्लीमेंट होंगे? तो इसके लिए दो तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। या तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को फोन के पीछे लगा लो, या फिर उसको पावर बटन में इम्प्लीमेंट कर दो, या फिर आप एप्पल बन जाओ तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ही हटा दो। एप्पल ने अपने आईफोन एक्स में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का यूज नहीं किया, उन्होंने फेस आईडी का यूज किया था। लेकिन इस प्रॉब्लम को सिनेप्टिक्स ने एक बहुत ही अनोखे तरीके से सुलझाया है, जहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स यूज तो होते हैं लेकिन वो आपको कहीं फिजिकली फोन में दिखते नहीं है। वो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आपके फोन के डिस्प्ले के नीचे फिट किए जाते हैं। स्नैपटिक्स ने एक सेंसर डेवलप किया है जिसका नाम है FS9500, और ये सेंसर सबसे पहले इम्प्लीमेंट किए गए थे वीवो के X20 प्लस में। दोस्तों, ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं ये बेसिकली एक ऑप्टिकल टाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं, जहां की आपके फिंगरप्रिंट की इमेजेस पे वर्क की जाती है। मतलब आप जब भी सबसे पहले अपने फिंगर को इन स्कैनर्स पे रजिस्टर करते हो पहली बार, तो उस समय ये आपके फिंगर की अलग अलग एंगल पे इमेजेस लेता है, उसको खुद में स्टोर कर लेता है, और जब भी आप स्कैन करने के लिए अपने फिंगर को इन स्कैनर्स पे रखोगे तो उस समय की इमेज को पुराने स्टोर किए हुए इमेजेस से मैच किया जाता है। अगर इमेजेस मैच होती है तो आपका डिवाइस या फिर कोई भी जिसमें भी ये स्कैनर्स लगे हैं उसकी एक्सेस आपको मिल जाती है, अगर मैच नहीं होता तो आपको एक्सेस नहीं मिलता है। अल्ग अलग टाइप के फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, चाहे वो अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स हो या फिर कैपेसिटिव स्कैनर्स हो या फिर ऑप्टिकल टाइप स्कैनर्स हो, इन सब के बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप वहां से फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में डिटेल्ड जानकारी पा सकते हो। अब फिर से वापस आते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स पे। तो दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को वर्क करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है ओएलईडी डिस्प्लेस की। मतलब अगर आपके स्मार्टफोन में ओएलईडी डिस्प्ले का यूज हुआ है तभी आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को यूज कर सकते हो। अगर एलसीडी या फिर किसी और तरीके का डिस्प्ले आपके स्मार्टफोन में है तो वहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डाउट्स की, मतलब बेसिक क्वेश्चंस की, जो हम सभी के मन में होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि डिस्प्ले के नीचे लगे होते हैं उनके रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के मन में ये होता है कि क्या ये जो स्कैनर्स हैं, क्योंकि ये लगे होते हैं आपके डिस्प्ले के नीचे, तो क्या ये आपके डिस्प्ले की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम या फिर उसके परफॉर्मेंस पे कोई भी किसी भी तरीके का असर डालता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
दोस्तों इस तरह के जो भी स्कैनर्स हैं वो आपके डिस्प्लेस या फिर आपके स्क्रीन के परफॉर्मेंस पे किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं डालता है। इन स्कैनर से आपके डिस्प्ले पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्योंकि ये डिस्प्ले के अंदर स्कैनर्स होते हैं, क्या आपको दिखता है वो फिजिकली? तो इसका जवाब है हाँ, वैसे नॉर्मली तो नहीं, लेकिन अगर आपके फोन का डिस्प्ले ऑफ है, अगर आप उसको 90 डिग्री पर टिल्ट करते हो और उसको बहुत ही ध्यान से देखोगे तो डिस्प्ले के नीचे आपको छोटा सा एक रेक्टेंगुलर साइज का स्कैनर देखने को मिलता है। लेकिन ये कोई बड़ी इशू नहीं है, आप जब भी फोन को यूज करोगे ब्राइटनेस चाहे उसकी कितनी भी कम हो आपको ये स्कैनर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये कोई इशू की बात नहीं है। दोस्तों अभी तक जो मैंने खुद से यूज किया है इन डिस्प्लेस को जिसमें कि फिंगरप्रिंट स्कैनर्स नीचे लगे हुए हैं, मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी है बहुत प्रॉमिसिंग और आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि आने वाले दिनों में आपको हर स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स ही देखने को मिलेंगे। मैंने जहां तक अभी यूज किया है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी जो भी इस स्कैनर में यूज की गई है इसकी एक्यूरेसी कमाल की है, लेकिन इसके स्पीड पे वर्क करने की जरूरत है। मतलब स्पीड एक एरिया अभी भी है जहां पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे अभी भी बहुत ज्यादा स्लो नहीं है, लेकिन अगर आप अभी जो स्मार्टफोन में यूज हो रहा है ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर्स उससे अगर कंपेयर करते हो तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स या फिर कुछ मिनी सेकेंड्स ये स्कैनर्स जो भी इन डिस्प्लेज वाले हैं वो अभी स्लो है। ये आपके फेस आईडी जो भी आपके फोन में फेस आईडी यूज होता है उससे फास्ट है, लेकिन ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर से स्लो है। और यही कारण है कि अभी तक मार्केट में किसी बड़े प्लेयर ने, फिर चाहे वो एलजी हो या फिर एप्पल हो, सैमसंग हो, उन्होंने अभी तक अपने किसी स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज नहीं किया है। और इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है स्पीड। लेकिन आप 2019 में एप्पल के आईफोन और फिर सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वहां पे दोनों स्मार्टफोन, जो भी आईफोन का नया वर्जन होगा या फिर जो भी गैलेक्सी का नया वर्जन होगा, उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी के लिए आप ये सोच सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है वो अभी अपने फर्स्ट जनरेशन में है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए जाएंगे और ये अभी जो ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज हो रहा है उसी के तरह सक्सेसफुल भी होगा और उतना ही फास्ट वर्क भी कर पाएगा। और आप एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हो कि आने वाले दिनों में बहुत तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी बहुत ही छोटा सेंसर यूज होता है, मतलब स्क्रीन के छोटे से एरिया पे आप अपने फिंगर को स्कैन करते हो। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ऐसा स्मार्टफोन मिले जहां पे हाफ स्क्रीन या फिर फुल स्क्रीन में ये स्कैनर्स इंप्लीमेंट हो, मतलब आप पूरे स्क्रीन पे कहीं भी अपने फिंगर को टैप करो तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। और ये बहुत ही कूल होगा और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी मिलेगा आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को समझने में मदद मिली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें वीडियो, फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।